टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। मंगलवार को जेल प्रहरी बुनियादी परीक्षण सत्र के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन पीटीसी ग्राउंड में हुआ, जिसमें 30 महिला जेल प्रहरियों ने शपथ ली। दीक्षांत परेड समारोह में जेल प्रहरियों द्वारा 5.5 माह में दी गई ट्रेनिंग का डेमो। इस मौके पर महानिदेशक जेल अरविंद कुमार और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण अनुराधा शंकर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। जेल की नौकरी करना महिलाओं के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए इस क्षेत्र में महिलाएं अपनी रुचि कम ही रखती हैं। इस सोच को ध्यान में रखते हुए इंदौर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त कर 30 महिला जेल प्रहरी आसपास के जेलों में सुरक्षा की कमान संभालेंगी। इसी के चलते मंगलवार को पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ, जिसमें 30 महिला जेल प्रहरियों ने शपथ ग्रहण की। दीक्षांत समारोह के जेल पुलिस महानिदेशक अरविंद कुमार और विशेष अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण अनुराधा शंकर मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। दीक्षांत समारोह के दौरान जेल प्रहरियों द्वारा ट्रेनिंग के दौरान दिए गए प्रशिक्षण को साहसिक कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों द्वारा पीटीसी परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। दीक्षांत समारोह में आए महानिदेशक जेल अरविंद कुमार ने कहा कि जेल प्रहरियों को दिया गया प्रशिक्षण जेल व्यवस्था में अहम रोल निभाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शासन की नीति के अनुसार अब जेल भर्ती में 30% महिला अधीक्षक और महिला जेल प्रहरी के आरक्षित हैं। ऐसे में बढ़ चढ़कर महिलाएं उक्त सेवा आने में दिलचस्पी दिखा रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने जेल मैनुअल को नए सिरे से तैयार करने की बात भी कही। 30 महिला प्रहरियों का पासिंग आउट परेड हुआ यहाँ पीटीएस इंदौर में, और जैसा कि आपने देखा कि ये प्रशिक्षण थोड़ा सा इसमें बीच में गैप आ गया था कोरोना की वजह से, इनको पुनः बुलाया, पुनः दोबारा से कार्रवाई कराई, परीक्षाएं हुई और आज इनका 5.5 माह का प्रशिक्षण विधि पूर्वक शपथ ग्रहण के साथ साथ समाप्त हुआ है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पुलिस अधीक्षक पीटीएस इंदौर ने जितना इनको जिस तरह से प्रशिक्षित किया है, उनको मजबूत किया है, ये जेल व्यवस्था के लिए बहुत ही एक अहम चीज़ रहेगी और इसको धीरे धीरे और कैसे बेहतर बनाया जाएगा ये हम लोग इसमें प्रयासरत रहेंगे। महिलाओं के लिए ख़ास तौर पे कहूँगा कि अब शासन की नीति है 30% पद जो हैं जेल प्रहरियों के भी, जेल अधीक्षकों के भी महिलाओं के हैं। जेल विभाग में बहुत बड़ा योगदान है, ऐसा लोगों को पहले बहुत सोचना था कि ये जेलों में कैसे काम करेंगी, कैसा अपराधियों से डील करेंगी, लेकिन मेरा ये अनुभव है, हमारी 2-3 जेल अधीक्षिकाएं जो हैं बड़ी बड़ी केंद्रीय जेलों की, अब उज्जैन में, अब इंदौर में हो जाएंगी, होशंगाबाद में, नरसिंहपुर में और बहुत सी जेलों में महिला प्रभारी हैं, तो ये महिलाओं के लिए भी एक आज शंखनाद है आज की पासिंग आउट परेड, और आगे मैं देखूँगा कि इनका रोल विभाग में और बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत प्रदेश के जेलों में सुधार के लिए कोई नई योजना आ रही है? सबसे बड़ा सुधार तो जो जेल मैनुअल हमारा बहुत पुराना है उसको बिल्कुल नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, जो भारत सरकार का मॉडल मैनुअल है उसके आधार पर जब वो लागू हो जाएगा, इस संभवतः इसी वर्ष में हमारी योजना है कि उसको शासन से मंजूर कराएंगे, तो जो एक मानवीयता का पहलू है और जो हमारे लिए अपराधी ने कुछ भी किया हो वो जेल के बाहर है, जब वो हमारे जेल के अंदर आ जाता है उसने जो बाहर किया है उसको हम एक तरफ कर देते हैं, फिर वो हमारे लिए हमारे परिवार का सदस्य है, हमारी जिम्मेवारी है उसको उसका पथ प्रदर्शन करना, और इस ओर अब सुधारात्मक दृष्टिकोण से जेल में कार्रवाई हो ये हमारा एम्फोसिस रहेगा आगे के लिए। थैंक यू वेरी मच। पहली बार प्रशिक्षण दिया गया महिलाओं को, पहला मौका है जी इंदौर में। वैसे तो हम प्रशिक्षण BSF टेकनपुर में भी, बड़वा में भी दे रहे हैं। टाइम न्यूज़ देखिए अब